हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? रात का बज रहा है 2 और मैं जस्ट अभी अभी अपना एक व्लॉग एडिट करके उठी हूँ। और मैं बता चुकी हूँ, सबसे पहले मैं व्लॉग एडिट करती हूँ तो उसके बाद मैं बालकनी में ज़रूर आती हूँ थोड़ी देर के लिए। माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है क्योंकि लैपटॉप देखते देखते आँखें थक जाती हैं, इस वजह से बाहर मैं जाती हूँ देखने के लिए। तो बहुत सुंदर सा नज़ारा था और सामने देखा एकदम बड़ा सा चांद दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी ये सुंदर सा व्यू शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी, बस बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी बट आप लोगों के साथ व्यू शेयर करना था। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और उसके बाद वही मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो शुरू हो गए हैं। सब लोग अपने अपने काम से जा चुके हैं और उसके बाद मैं बेड सेट कर रही हूँ। वैसे तो मैंने इनकी आदत छुड़वा दी है गीला टॉवल बेड पे रखने की, बट फिर भी आज इन्होंने काम कर दिया है, गीली टॉवल बेड पे रखी है तो मैं उसको हटा रही हूँ, चादर वगैरह हटा रही हूँ और जो बेडशीट है उसको सही कर दूँगी, चेंज नहीं करना है इसको। और इसके नीचे बिछा हुआ है मैट्रेस प्रोटेक्टर, तो ये और ज़्यादा अच्छे से सेट है, बिगड़ी नहीं है, बस थोड़ा सा है, उसको मैं कॉम की हेल्प से सेट कर दूँगी, वो तो थोड़ा बहुत तो बिगड़ ही जाता है, तो वो मैंने सेट कर दिया। बेडशीट को झाड़ करके, चादरे से ज़्यादा कुछ है नहीं बट फिर भी मेरी आदत है बेड को झाड़ देने की, एक बार मुझे बिना झाड़े चैन नहीं मिलता, ऐसे लगता है गंदा गंदा सा है बेड, जबकि कुछ रहता नहीं है कूड़ा वगैरह, बट फिर भी मैंने झाड़ दिया है और जो पिलो वगैरह है उनको अपनी जगह पर रख दूंगी। ट्राइपॉड अभी तक सही नहीं हो पाया तो इस वजह से जैसे तैसे करके मैं काम चला रही हूँ। यहाँ पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, जो कपड़े सूखे थे उसी के ऊपर रख लिया था और इधर मैंने स्टडी टेबल पे रख लिया है, तो ऐसे ऐसे करके अभी मैं काम चला रही हूँ। तो मुझे डर भी लगता है कहीं गिर ना जाए ये ट्राइपॉड, कहीं ख़राब ना हो जाए, तो यही अब देखते हैं कब आ पाता है, क्योंकि नेहरू प्लेस में तो मिला नहीं है उसका जो पार्ट था, आगे देखते हैं कहीं से लेते हैं तो ठीक है। तो इस वाले रूम को भी मैं एक सा सेट कर दूँगी, बेडशीट वगैरह एक सी करके पिलो वगैरह रख दूँगी और पूरा घर मेरा एक सा हो जाएगा। इसके बाद मैं डस्टिंग करने जाऊँगी और बस नॉर्मल जो डेली के काम होते हैं, घर को एक सा करना, डस्टिंग करना, सामान इधर उधर से उठा के रखना, वो सारी चीज़ें मैं जाने के बाद ही सबके करती हूँ, क्योंकि फिर तसल्ली से शांति में काम होता रहता है और जल्दी हो जाता है और फिर कोई फिर फैलाने वाला भी नहीं होता है। तो सेट और क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने यहाँ पर देसी घी निकाला है, ख़त्म हो गया था और मलाई भी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कहा चलो निकाल लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, पूड़ी दाल बची रखी थी डिनर की, जी अरहर की दाल है और किसी की दाल नहीं है, तो वो वाली दाल मैंने आटे में मिलाई है और बस बना करके पूड़ियाँ सेक ली, बहुत अच्छी लगती है और इसको चटनी के साथ या किसी सब्जी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत जल्दी बन जाती है, एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। तो आटा मैंने बहुत पहले सेट करके रख लिया था, तो थोड़ी सी पूड़ी अब मैं अपने लिए सेक रही हूँ और साथ ही साथ घी भी तब तक निकल जाएगा। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, कोई भी दाल हो, आप किसी भी तरीके की दाल बनाए आप उसको आटे में मिला लीजिए, चाहे तो ऊपर से उसमें थोड़ा सा प्याज वगैरह भी हरी मिर्च काट के मिला सकते हैं। इस तरीके से बना करके आटे को अच्छे से मार लीजिए और बस पूड़ियाँ सेक लीजिए। हाँ, आटे में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालिएगा, इससे पूड़ियाँ सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा प्याज का रस लगवा रही हूँ मम्मी से सर में, क्योंकि आपको पता है मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मैं लगा रही हूँ, बट आपको सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क लग नहीं रहा है प्याज के रस से, और अभी तो मेरा जो है एलोवेरा जेल भी फिनिश हो गया है तो केवल रस लगा रही है मम्मी, बट मुझे कुछ फ़र्क लग नहीं रहा है ज़्यादा कि हाँ बाल झड़ने बंद हुए कि नहीं। अब पता नहीं इतनी जल्दी मिलता है कि नहीं मिलता है, फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, बट मुझे फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ मेथी लगाने की, मेथी से बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है, एक दो बार ही मेथी लगाने में रिजल्ट पता चल जाता है। मैंने सोचा ना लगानी पड़े क्योंकि उसमें झंझट बहुत होता है, चिपचिपापन बहुत होता है, तो इस वजह से मेरा मन नहीं था कि मैं मेथी लगाऊँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं हेयर वॉश करने में, मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है मेथी लगाने का, तो इस वजह से मुझे मैं थोड़ा सा कट ऑफ हो रही थी कि नहीं मुझे मेथी नहीं लगानी है, प्याज का रस ही लगाना है, बट क्या कर सकते हैं, अब नहीं फ़ायदा मिल रहा है तो फिर लगाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, एक दो बार और प्याज का रस लगा के देखती, नहीं फ़ायदा मिलेगा तो फिर मैं मेथी लगाऊंगी और उसका प्रोसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ी देर बाद ही मैंने शावर ले लिया था, अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से लंच बनाने के लिए, और लंच थोड़ा सा स्पेशल सा बना रही हूँ, और लंच में बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्जी। ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ
कभी कुछ हो तभी बना है, बट जब मन करता है तभी मैं बना लेती हूँ, अच्छा लगता है। मटर पनीर हम सबकी फेवरेट सब्जी है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और आज मैं इसमें कुछ नयापन सा करूँगी, वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पनीर कट करके रख लूँगी। पनीर ये पैकेट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है खुले हुए से, ये मेरा पर्सनल मतलब मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो पनीर कट हो गया, मैं जो प्याज और टमाटर हैं उनको पीस लूँगी मिक्सी में डाल करके। मैं पीस करके ही हमेशा डालती हूँ, काफ़ी अच्छी सी सब्जी बनती है। और ये बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, तो किचन की जो विंडो है उससे बहुत तेज़ वाली हवा आ रही है अचानक से, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बिल्कुल भी घुटन टाइप की नहीं होती है, किचन में भी हवा सी लगती रहती है, तो बहुत आराम रहता है किचन में काम करने के लिए। तो बस प्याज टमाटर पिस जाएगा, उसके बाद जो पनीर है मैं उसको फ्राई कर लूँगी। पनीर को आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मैं फ्राई करके डालती हूँ। फ्राई करके डालने से पनीर का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, अच्छा लगने लगता है। अगर किसी को नहीं पसंद है तो आप फ्राई करके मत डालिए, आप बिना फ्राई पनीर डाल सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई में यहाँ पर ऑयल को डाल लिया है, जब तक वो गर्म होगा तब तक मैं ये जो सफल मटर होती है, फ्रोजन मटर होती है, इसको निकाल करके पानी से वॉश कर लूँगी दो बार और फिर रख दूँगी पानी डाल करके। ये ऑलरेडी से बॉयल्ड होती है, मैं बता चुकी हूँ, इसको ज़्यादा बॉयल वगैरह नहीं करना है, बस नॉर्मल पानी डाल करके इसको रख देना है। तो आप देख सकते हैं वॉश हो गई है, मैं इसको यहाँ पर रख दूंगी तो थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रीज़र में रखी रहती है ना तो थोड़ा जम सी जाती है, टाइट हो जाती है। तो बस थोड़ी देर बाद आप बाहर के टेम्परेचर में रखेंगे, अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगी। जब शुरुआत में शादी होकर के आई थी तो मैं सफल मटर निकालती थी और इसको बॉयल करती थी पहले, मुझे चीज़ पता ही नहीं थी कि इसको बॉयल नहीं करना रहता है। बट चलिए धीरे धीरे हम सीखते ही सीखते सीख पाएंगे, अब हर किसी को हर चीज़ नहीं पता हो सकती है ना। पर मेरे पनीर भी फ्राई हो चुके हैं, कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है। तो मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी टिश्यू पेपर के ऊपर। मैं ऑयल उतना ही डालती हूँ जितना सब्जी के लिए जरूरी होता है, तो उसी गरम ऑयल में मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, इलायची और जो तेजपत्ता होता है वो। मैंने खड़े मसाले मटर पनीर में पहली बार डाले हैं, ट्रस्ट मी पहली बार मैं ये ट्राई कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं प्याज डाल करके फ्राई कर लूँगी। मुझे नहीं पता था कि खड़े मसाले डालने से कैसा टेस्ट आएगा, क्या आएगा, मैंने कभी खाई नहीं है मटर पनीर में खड़े मसाले। होंगे जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं सारे मसाले डालूंगी। मसाले में मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल वाली जो लाल मिर्च होती है वो डालती हूँ। अगर आपके पास मटर पनीर मसाला अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए नहीं डाला है मैंने। और कश्मीरी लाल मिर्च ना अवेलेबल हो तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, बस इससे ये है थोड़ा सा कलर फ्लेवर हल्का सा इंक्रीज हो जाता है और कोई बात नहीं है। इसको एकदम धीमा रखना है वरना मसाले जल जाएंगे और सारा टेस्ट सब्जी का खराब हो जाएगा। मसाले में फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद जो टोमेटो प्यूरी है उसको डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से चला करके फ्राई कर लूंगी। टमाटर जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब इसमें मैं मिलाऊंगी मटर और पनीर। पनीर मटर मिला करके मैं अच्छे से चला लूंगी, जैसे नॉर्मली एक सूखी सब्जी होती है उस तरीके की मैं सब्जी सी बना लूंगी। और उसके बाद मैं इसमें जो पानी है वो डालूंगी। पानी डालने के बाद मैं नमक डाल दूंगी और बस इसको चढ़ा दूंगी ढक करके बॉयल होने के लिए। सब्जी बनने के लिए रख दी है, उसके बाद मैं जो चावल है वो चढ़ाऊंगी। वैसे मैं अक्सर मटर पनीर पुलाव बनाती हूँ, बट आज मैं बहुत सिंपल सा बना रही हूँ, सिंपल वाले जो चावल होते हैं वो बनाऊंगी, सादे चावल और रोटियाँ सेकूंगी। पहले मैंने रायते का सोचा था, बट रायते के लिए खीरा अवेलेबल नहीं था, फिर बूंदी का मन नहीं किया खाने का, पहले सोचा बूंदी का बना लूँ फिर इच्छा नहीं हुई, तो इस वजह से रायता कैंसिल कर दिया है। बॉयल आ गया है सब्जी में, उसके बाद मैं लिड हटा दूंगी। अब इसको मीडियम गैस करके इसको ऐसे ही बॉयल होने दूंगी, धीरे धीरे बॉयल होती जाएगी और थिक ग्रेवी हो जाएगी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी थिक रखनी है उतनी देर तक इसको बॉयल कर सकते हैं। बस चावल और सब्जी चढ़ा दिए, उसके बाद रोटियों के लिए मैं आटा मार लूंगी मशीन में। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि मैं ये जो आटा मेकर है वो बताओ कि इसमें आटा कैसे सेट होता है, किस तरीके से मारते हैं। तो मुझे एक पुरानी क्लिप मिल गई है अपने वीडियो की, जो मैंने बहुत पहले शूट कर रखी थी बट मिसप्लेस हो गई थी लैपटॉप में ही कहीं, अचानक से मिल गई, तो मैं कोशिश करूंगी जल्दी से आपके साथ शेयर करने की। सब्जी बन करके रेडी हो गई है, अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और ऊपर से डालूंगी हरे धनिया। हरे धनिया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस मैं एक गैस खाली कर लूंगी क्योंकि अब मुझे रोटियाँ सेकनी है, तो मैं रोटियाँ सेक लूंगी। ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रोटी चावल नहीं बनाने हैं तो पनीर के साथ आप पुलाव भी बना सकते हैं।
मैं रोटियां सेक लूंगी, उसके बाद पूरा लंच बन करके रेडी हो जाएगा। तो यही था मेरा आज का लंच रूटीन। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आपको मेरी सारी रेसिपीज इतनी अच्छी लगती है, उसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग ट्राई करते हो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच उसके लिए। क्या खा रही हो नन्नू? मुंह से बोला जाता, मुंह से दिखाया नहीं जाता है। बोलो चावल। चावल घी, देसी घी जो होता है वो मिला करके खा रही है चावल में, और थोड़ा सा नमक मिला दिया था। कभी चीनी मिला देती हूँ, कभी नमक। अच्छे से वहाँ बैठ के खाओ जाके, चलो ऐसे गिर जाएगा। चलो मेरा भी लंच हो गया है। और आप लोगों ने क्या क्या लंच किया, मतलब लंच में क्या क्या किया वो मुझसे शेयर करना। नन्नू मैंने तो खाई मटर पनीर, और नन्नू ने मटर पनीर बिल्कुल नहीं खाई, नन्नू ने केवल पनीर खाई है ना। सुना, इनके लिए थोड़ा सा पनीर मैं अलग निकाल करके रख देती हूँ, क्योंकि इसको अच्छा लगता है, कभी खाती कभी नहीं खाती। ये भी है तो चार पीस अलग कर देती है तो फिर ये खा लेती है। फ्राई वाले नहीं खाती है, जो कच्चे होते पनीर वो खा लेती है। और बच्चों को पनीर देना ठीक भी रहता है डेली, मैं उसको कोशिश करती हूँ कि डेली थोड़ा सा पनीर खिला दिया करूँ तो ठीक रहता है ना नन्नू। आज ना पता नहीं क्यों खाना खा करके ही मुझे इतने जोर से चक्कर से आने लगे, अजीब सी तबीयत हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उससे पहले सब कुछ ठीक था, अभी खाना खा करके जस्ट बैठी हूँ तो मुझे बहुत तेज़ चक्कर से आ रहे हैं। तो भाई मम्मी कह रही है तुम्हारे लिए मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, तो अभी मम्मी कॉफ़ी बनाएंगी। आप लोगों से मैं बता चुकी हूँ गर्मियों में ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीती हूँ मैं, केवल सर्दियों सर्दियों में पीती हूँ। और चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। कहाँ बैठना है आपको? इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। आज हमने क्या खाया? किसी ने बताया कुछ है? बताया कुछ किसी ने? हाँ। और आपके शूज सबको बहुत अच्छे लगे नन्नू, थैंक यू बोल दो। हाँ कल थैंक यू बोल दो। थैंक यू। अच्छे से बोलो थैंक यू। थैंक यू सबसे नमस्ते करो, हाथ जोड़ के नमस्ते नमस्ते किया करो। ठीक है ठीक है। सुना कैसे नमस्ते करते? वेरी गुड नन्नू। नन्नू मेरी आ गई ना आ गई? वैसे मैं कोशिश करती हूँ इसको मोस्टली क्या बोलते हैं, जब स्कूल से आती है तब थोड़ा सा नहा धो करके फ्रेश हो जाता है ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं नहलाती हूँ। थोड़ा सा स्कूल से बच्चे आते हैं पसीने में लथपथ रहते हैं, फिर पता नहीं वहाँ कैसे रहते क्या करते, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ इसको नहला देती हूँ ज़्यादातर, मतलब डेली नहीं मैं बोलूँगी, वैसे तो मैं हाथ मुँह धुल देती हूँ पर ज़्यादातर ये नहा लेती है। तो इसको भी मतलब मन करता है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर इसको भी मन करता है चिप चिप, इसको बिल्कुल पसंद नहीं मेरी नन्नू को। ना गिर जाओगी बैठो। नहीं नहीं क्या होता है? नहीं। नानी कहाँ चली गई? बाहर खड़ी हो गई घुम्मी करने। बाहर कौन सी घुम्मी होती है, सुन रही मम्मी? बाहर खड़ी होगी घुम्मी करने। आज मैंने मटर पनीर में खड़े मसाले डाले थे जो मैंने कभी नहीं डाले, और अच्छी बनी थी, टेस्ट खाने में उसका अच्छा लगा था। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, मैंने कहा देखूं कैसी लगेगी। आई अम्मा नन्नू नन्नू ना आई? अरे फोटो लग रही है, लग रही है। वैसे भी मुझे चक्कर आ रहे नन्नू, पता नहीं क्या हो गया मुझे, चक्कर से क्यों आ रहे, अजीब सा लग रहा है। मैंने आपको दो टॉप और एक ब्रेसलेट अपने लिए लेकर के आई थी GIP से उस दिन, तो मैं दिखाना भूल गई थी शॉपिंग में। GIP नहीं मॉल। हाँ मॉल। तो ये वाला एक टॉप था जो मैंने पहन के रखा हुआ है, बट मुझे थोड़ा सा काम करने में दिक्कत हो रही थी, देखिए मैंने कैसे बाहें फोल्ड कर ली हैं। इसकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हैं, देखने में अच्छी लगती है, तो मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि इनको काट दो थोड़ा सा तो छोटी हो जाएंगी। काम करने में दिक्कत है बट बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा लगा मुझसे शेयर करना। सेकंड टाइम मैंने पहना, एक दिन पहन चुकी थी तो इसको वॉश कर लिया, फिर आज सेकंड टाइम पहना है। और एक टॉप और है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और एक 50 रुपीज़ का ब्रेसलेट लिया था, जैसे कहीं आओ जाओ तो एक हाथ में पहन लो तो ठीक रहता है। जो नानी से ले आओ जाके, नन्नू भी पहनेगी तो आप लोग देख लेना धीरे से। जाओ चलो, मम्मा वाला नौनू वाला टॉप दे दो। और आप लोगों को मम्मी का हाउस टूर देखने का बहुत वेट है, मेरे पास कमेंट आए इंस्टाग्राम पे, मैसेज आए कि मम्मी का रूम तो आपने दिखाई नहीं कि नया रूम कैसा है, तो वो वाला वीडियो मम्मी के चैनल पे जाएगा मॉम्स इंडियन लाइफस्टाइल पे, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। और बस अब मम्मी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है, डेली ऑलमोस्ट आया ही करेंगे, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियो मम्मी ने ऑलरेडी से बना के रखे, उनको भी देख सकते हैं, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से उनके चैनल तक पहुँच सकते हैं। जादू ज
जादू जादू पीछे पड़ी है। नन्नू इधर टॉप तो दिखा तो दो सबको एक बार, इधर आओ, पास आओ पास आओ पास आओ। तो ये और ये टॉप लिया था मैंने, 300 का है, 600 के दो टॉप है। जो ये है इस तरीके का ब्रेसलेट, 50 rupees का है, अच्छा लगा तो ले लिया। आपको कैसा लगा बताना, पहन के दिखाती हूँ मैं ऐसे। थोड़ा सा कुछ अच्छे से तैयार हो, ड्रेस वगैरह पहनो तो अच्छा लगेगा, है ना, एक हाथ में सिंपल सा। यस नानू, ये टॉप किसका पहना है, क्यों, किस लिए? नानी से गुस्सा हो, नानी ने क्या कर दिया? तो पिजामी क्या करोगी पहन के? तो ये फ्रॉक पहने हो, टॉप पहने हो, क्या क्या पहने हो, पिजामी क्या करोगी पहन के? पहनना है, पहनना है, पहनना है, पहनना है। अच्छे बच्चे होते हैं, जिद नहीं करते, ठीक है, पहनना है। गंदी बात, पहनना है, पहनना, नो पहनना, नो पहनना है, नो नो। तो थोड़ी देर बाद ही मैं मम्मी के रूम पर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर करवाना था एक बहुत ज़रूरी काम, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं आपको पता है, और बिना फ़ैन के कहाँ गुजर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब से भी काम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे तो एकदम से कहाँ फ़ैन लग जाएगा। पहले से लगवाने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, बस 15-20 मिनट का काम है, उसके बाद करवा के चली जाऊँगी। और फ़ैन इन्होंने बोला कि फिर इनको टाइम नहीं रहेगा, आप आज ही लगवा लो, तो इस वजह से मजबूरी में मैं आई हूँ आधे घंटे के लिए मम्मी के रूम पर। तो केवल फ़ैन लगवा करके चली जाऊँगी, कुछ भी काम नहीं करना है मुझे यहाँ पर, बस फैन लगवाने के लिए आई थी इतनी ही देर के लिए। तो फैन लगा देंगे भैया, एक बड़ा काम निपट जाएगा, फिर जब से शिफ्टिंग स्टार्ट करूंगी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और लाइट वगैरह भी लगानी है, बट लाइट अभी नहीं लगाऊंगी, लाइट जब आऊंगी काम करने तभी, जो बल्ब है वो परचेज करने हैं, वो परचेज कर लूंगी और लगा करके। थोड़ा सा यही दो जरूरी काम होते हैं, रोशनी और हवा, घर में बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो, उसकी व्यवस्था हो गई है, तो अब कोई टेंशन नहीं रहेगी, जब से आना हो तब से आ जाओ और काम करवा लो। तो आधे घंटे बाद, बस आधे घंटे में ये सब हो चुका है और मैं वापस घर भी आ गई हूँ। थोड़ा सा सोच रही हूँ अपना जो लैपटॉप का काम है वो मैं फिनिश कर लेती हूँ, तो फिर ठीक रहता है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा मेरा। मैं यहाँ पर बेटू को सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो नानी के पास भाग गई, अपना डूडू वूडू लेकर के आई, फिर एकदम से नानी के पास भाग गई। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना एडिटिंग वगैरह ही कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं काम करके उठी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, पूरे घर में पानी ही पानी था। मम्मी उधर बालकनी में थी बेटू के साथ और मैं काम कर रही थी, ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उतरी हूँ मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया है, और ये जो पानी है वो क्लीन पानी नहीं है। साफ़ पानी भी होता तो चलो 1% में मैनेज कर जाती, पानी आप देखिए कितना गंदा वाला पानी है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ खबर नहीं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था उस टाइम पर कि मेरे घर में हो क्या गया है। पहले तो मैं 15 मिनट शॉक्ड में रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को संभाला, कॉल्स वगैरह की, इनको बताया, मेंटेनेंस वालों को, मतलब सारा कुछ करके मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। एंड ऑब्वियसली ऐसी हालत में कौन कर पाएगा, बस मुझे आपको दिखाना था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा शूट किया है। पता नहीं क्या हो गया, इतनी बुरी हालत मेरे घर की, इतना बुरा हो गया है। मेरे लिए तो ये बुरा है क्योंकि जिसको इतनी सफाई पसंद है, और ऐसे में तो कोई भी नहीं रह सकता है, किसी को सफाई पसंद हो ना हो ऐसे में कौन रह सकता है। अचानक से ये हो गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी एक दो दिन से, बट इतना बढ़ जाएगा नहीं पता था। तो इन्हीं सब में मैं उलझ के रह गई, यहाँ जाना, पहले मैं बेसमेंट में गई उन लोगों से बात करने, तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है मेरे घर में, अब ये देखते हैं कब सही होगी। तो इस वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, जब तक ये अब ठीक नहीं हो जाता है वॉशरूम में परेशानी रहने वाली हूँ। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी हो गई है कि इसको ठीक करवाना है। ये मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, आई एम रियली सॉरी थोड़ा सा अधूरा रह गया। जल्दी मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। लव यू ऑल।